श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं हुआ, नहीं संकेत में। बोले क्यों? बोले एक कारण। क्या कारण है? सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी जी से बड़ा प्रेम करते थे, और अगर कोई धोखे से राधा नाम कह दे तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती थी। अच्छा मान लो भागवत में अगर राधा नाम कह देते तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती, सुखदेव जी की समाधि लग जाती तो 7 दिन कब निकल जाते, परीक्षित जी को कल्याण ही ना हो पाऊ तो महाराज फिर ये कैसे सिद्ध होगा कि इसमें राधा नाम है? बोले है तो संकेत में। एक गोपी जो विशिष्ट गोपी का वर्णन आया वही राधा है। और हमारे पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित तुलसी पीठादीश्वर जगत गुरु भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते भैया भागवत का अक्षर अक्षर ही राधामय है। अच्छा अक्षर अक्षर राधामय है और श्याममय भी है। अच्छा देखो भागवत में जो स्याही का प्रयोग करते वो श्याम ही होती है, काली सी होती है। और हमारे ठाकुर जी का रूप कैसा है? नीलांबुजक मलकोमलांगम। ठाकुर जी का रूप भी वैसा ही है। अच्छा गोपियां कभी कभी हंसती थी भगवान से। बोले क्यों? बोले गोरे नंद जसोदा गोरी पर श्याम भयो क्यों कारो। नंद जी भी गोरे हैं, जसोदा भी गोरी है, पर ये श्याम काले क्यों हो गए? गोरे नंद जसोदा गोरी पर श्याम भयो क्यों कारो। तो एक सखी बड़ी ज्ञानी थी, वो सुनो बोले एक कारण से ये काले भय। बोले किस कारण से? कजरारी अखियन में, भक्तों की आंखें कैसी हैं? बोले कजरारी अखियन में बसो रहत दिन रात, ताते सांवर है सखी कहो श्याम मृदुगा। ये हमेशा भक्तों की आंखों में ही छिपे रहते हैं, तो ये भी गोरे ही हते। हमारे सरकार गोरे ही थे लेकिन काली आंखों में भक्तों के बसने के कारण इतना कालापन छा गया कि इनका गोरा रंग छिप गया और कालापन चढ़ गया। एक ये कारण। और दूसरा सुनो, श्याम रंग का दूसरा और कारण है। बोले क्या? बोले देखो भाई और रंग तो ऐसे हैं, और रंग तो हो जाते हैं बदरंग, पर श्याम रंग कभी नहीं बदलता है रंग है? और रंग तो फीके पड़ जाते हैं, सफेद में भाई लाल मिला दो अलग डिफरेंट कलर हो जाएगा, काले में तुम कुछ भी मिला दो वो काला तो काला ही रहेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए धन्य है यह है पनागर की भूमि। आज तो हमें लगता है ये नगरी भी अपने आप को धन्यासित मना रही होगी, राधा नाम और भागवत की महिमा को सुनकर ये भी झूम उठी होगी। ये भगवान का प्रभाव। देखो कलयुग में भगवान की कथा ही इस संसार को शांति दे सकती हो, दूसरा कोई साधन है ही नहीं। कैसे? इसको सिद्ध करके समझो। देखो कितने लोग बैठे, लाखों लोग बैठे, कुछ लोगों को बैठने नहीं मिला तो सामने खड़े, तीनों पंडाल भरे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कौन बगल में बैठा है, किस बिरादरी का है, कहां से आया है। सब अपनी मस्ती में बैठे हैं, बढ़िया कान खड़े किए हुए हैं, आंखों को बार बार कोई बीच बीच में सो रहा है, कोई थोड़ा सा नाए माए घुटना पुटना कर रहा है, बाकी बड़े आनंद के साथ कथा को सुन रहे। बोले क्यों? बोले केवल भगवान की कथा ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरे विश्व में शांति ला सकती है और एकता ला सकती है।